विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का एग्जांपल है एक्स टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 4 इक्वल्स 322 गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है एक्स टू द पावर ऑफ 3 माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर ऑफ 3। तो कंडीशन क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पर एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेंगे एक्स टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 4 जो गिवन है वो नोट डाउन कर लेंगे, इक्वेशन 322, ठीक है। तो ये एक्स टू द पावर ऑफ 4 को हम क्या कैसे लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर ऑफ 2 होल स्क्वायर टू द पावर 2, ठीक है। यहाँ पर पावर रूल यूज कर दे, पावर रूल यूज किए तो एक्स टू द पावर ऑफ 4 ही बनते हैं। तो यहाँ पर भी 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी एक्स टू द पावर ऑफ 2 होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, दिस इक्वल्स 322। तो यहाँ पर हम 1 टू द पावर ऑफ कुछ भी नहीं लिखे तो भी चलते, 1 टू द पावर ऑफ 2 लिखे तो भी चलते, उसका भी उतना ही वैल्यू रहता है। 1 टू द पावर ऑफ 3 क्या भी लिखो उतना ही वैल्यू रहेगा। तो इसका मतलब हम इसको भी 1 स्क्वायर कहेंगे, नीचे 1 स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो ये 1 स्क्वायर इसे करेंगे तभी ये क्या बन रहे हैं, एक्स टू द पावर ऑफ 2 होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर इक्वल्स 322 बनता है। यहाँ पर ये ए टू द पावर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई बी टू द पावर ऑफ एक्स अगर रहा तो ए डिवाइडेड बाई बी होल टू द पावर ऑफ एक्स जो आइडेंटिटी है तो वो हम यहाँ पर यूज किया तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर टू द पावर ऑफ होल स्क्वेयर इक्वल्स 322 होता है। तो ये कौन सा फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर यानी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के फॉर्म में आए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इक्वल्स क्या आ रहे हैं, ये इक्वल्स एक्स स्क्वेयर हो रहे हैं और बी इक्वल्स क्या बनते हैं, 1 बाई एक्स स्क्वायर बनते हैं। ध्यान से देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या बनते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में, ए स्क्वायर का प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म अगर चाहिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर टाइम्स ये साइड में लाओ तो नेगेटिव 2ab बनता है, माइनस 2ab यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। इस ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab में ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, बी का वैल्यू 1 बाई एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर अगर पुट किया तो ये क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी इज 1 बाई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ओके, माइनस टाइम्स 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, ओके, दिस इक्वल्स 322। ए एक्स स्क्वायर जाएगा, ए 1 बाई एक्स स्क्वायर जाएगा, तो यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए 322, ये नेगेटिव 2 है तो ये साइड में आया पॉजिटिव 2 बनता है तो दिस इक्वल्स क्या बनते हैं, 324 बनते हैं। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 324 बन रहा है। तो दोनों तरफ अगर हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी अगर स्क्वायर रूट यूज़ किया तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर निकल जाएगा तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा, क्या मिलते हैं, प्लस आर माइनस 18 मिलते हैं, 324 स्क्वायर रूट 324 मीन्स प्लस आर माइनस 18। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 18 एक बार आ गया तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू नेगेटिव 18 एक बार आ गया। तो एक्स स्क्वेयर क्या है, ये एक्स स्क्वेयर जो भी है, ये एक्स स्क्वेयर है तो ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 है, तो ये भी 1 बाई एक्स स्क्वेयर ये भी है ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, मतलब ये दोनों पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव है इसलिए ये शूट नहीं हो जाएगा, तो हम इसे नेगेटिव 18 को रिजेक्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट करके खाली हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स 18 ही ले लेंगे। तो हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे उसका वैल्यू
क्या आया, एक्स स्क्वेयर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर इक्वल्स पॉजिटिव 18। नेगेटिव 18 तो रिजेक्ट किया। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, एक्स होल स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वेयर लिख सकते हैं, दिस इक्वल्स 18। ये और कौन सा फॉर्म में आया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की फॉर्म में आया। तो इसे हम ए माइनस बी होल स्क्वेयर, ए माइनस बी होल स्क्वेयर प्लस टू ए बी, ये फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ए इक्वल्स एक्स है और बी इक्वल्स वन बाई एक्स है। तो ये इस फॉर्म में अगर इस इक्वेशन में हम ये पुट किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका वैल्यू मिलेगा हमें। तो ए माइनस बी, ए मीन्स एक्स माइनस बी मीन्स वन बाई एक्स होल स्क्वेयर प्लस टू टाइम्स ए इज एक्स बी इज वन बाई एक्स, दिस इक्वल्स 18। ठीक है, तो यहाँ पर x और 1 बाई एक्स दोनों चले जाएगा। तो दिस इक्वल्स x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर, x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18। ये पॉजिटिव 2 है, ये साइड में लाया नेगेटिव 2 बनेगा। तो इसका मतलब ये बनता है x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। ओके, तो x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वेयर है इक्वल 16 आया। तो हम दोनों तरफ क्या स्क्वेयर रूट ले लेंगे, यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे तो ये दोनों कट हो जाएगा। तो हमें बचेगा x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पर प्लस आर माइनस रूट 16 मीन्स 4 बनते हैं। तो एक वैल्यू x माइनस 1 बाई एक्स का एक वैल्यू पॉजिटिव 4 मिल रहे हैं, दूसरा मिल रहा है x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल्स नेगेटिव 4। तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है यहाँ पर, तो इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और यहाँ पर भी यहाँ स्मॉलर देन 1 बनता ही है। ठीक है, तो इन दोनों x माइनस 1 बाई एक्स ये क्या बनता है, ग्रेटर देन 1 बनता है। लेकिन आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव में आ रही है। तो इसका मतलब ये हम रिजेक्ट करेंगे, यानी ग्रेटर देन 1 इज नॉट इक्वल्स टू नेगेटिव। तो यहाँ पर रिजेक्ट किया तो यहाँ अक्षर के ए वैल्यू ले लेंगे, x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल्स 4। तो यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 4। तो हमें निकालना है एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। तो हमें मिला x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल्स 4 मिला, तो हमें चाहिए एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब के लिए पहले सब हम पहले 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल्स 4 नोट डाउन कर लेंगे। अभी x माइनस 1 बाई एक्स होल क्यूब क्या बनता है, यहाँ पर दोनों क्यूबिंग कर देंगे। तो ये हो गया a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्म में है। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस इंटू ए बी ए माइनस बी। जो a माइनस बी होल क्यूब जो ये आइडेंटिटी है, यहाँ पर x का वैल्यू ये b का वैल्यू 1 बाई एक्स, तो इसमें पुट कर दो तभी ये बनता है x माइनस 1 बाई एक्स होल क्यूब। मीन्स क्या बनता है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब मीन्स एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए मीन्स एक्स, बी मीन्स 1 बाई एक्स टाइम्स ए माइनस बी मीन्स एक्स माइनस 1 बाई एक्स। ओके, दिस इक्वल्स 4 क्यूब मीन्स 64। हमें चाहिए एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। ठीक है, ये देखो एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब चाहिए। तो यहाँ पर होता है ये एक्स कट हो जाएगा। तो दिस इक्वल्स एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 3 टाइम्स, ये तो 1 आ जाएगा, 3 टाइम 3 इंटू 1 एक्स माइनस 1 का वैल्यू, एक्स माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू 4 होता है। ये 4 यहाँ पर रख दो तो अब आगे का इक्वल्स 64। यानी यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 64 एज यूजुअल। ये नेगेटिव 3 इंटू 4 मीन्स 12, नेगेटिव 12 होता है, यहाँ पर आगो अगर राइट साइड में लगा तो पॉजिटिव 12 बनता है। तो दिस इक्वल्स 64 प्लस 2 मीन 12 मीन्स 76 बनता है। यानी एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 76। तो 76 बनता है यह आंसर।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।